आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परम्यूटेशंस। ठीक है जी, अब परम्यूटेशंस क्या होता है, जो अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग में, जैसे रोज का हमने पढ़ा था, ठीक है, कि उसको हमने चार लेटर वर्ड था और उसको हमने अरेंज करना था, तो उसके नंबर ऑफ वेज निकाल लिए थे, राइट। तो अब इसमें क्या है, इसमें आर ई ओ एस या आर ओ एस ई, ये अलग अलग काउंट होते हैं आपके, ठीक है, तो इसको डिफरेंट अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये अरेंजमेंट्स जो है आपके अलग अलग है, नंबर ऑफ वेज ही जिसे कहते हैं हम, दैट इज आपके अरेंजमेंट्स हैं, ओके। अब इसमें क्या है, परम्यूटेशन में आपको खास ख्याल क्या रखना है कि आपका ऑर्डर ऑफ राइटिंग द लेटर्स इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये है रोज और रियोज, ठीक है, आर ओ एस सी आर ई ओ एस, ये दो अलग वेज माने जाएंगे। इसको आप बेसिक यही समझ लोगे। अगला जैसे है एंड कॉम्बिनेशन, है ना, चैप्टर का नाम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो वहां पे आप जैसे क्या एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हमने अपनी कोई टेनिस की टीम सिलेक्ट करनी है, 10 बच्चों में से मैंने 4 बच्चों की टेनिस की टीम सिलेक्ट करनी है, तो अब कौन पहले आ रहा है या कौन बाद में आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, या सी उसके बाद आ रहा है, या डी पहले आ रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टीम में तो वो चारों ही रहेंगे ना, तो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के नंबर, एक बार वो आ गया बच्चा तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, तो उस केस को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। और जहाँ पे कौन पहले आ रहा है, जैसे आर पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, उसमें डिफरेंट मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशंस में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप खास ख्याल रखेंगे, और इसी से ही पता चलता है कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। जहाँ पे ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज आपका परम्यूटेशंस, ओके। अब इस केस के अंदर जो पिछला रोज वाला एग्जाम्पल था, जिसमें चार लेटर वर्ड बनाना था मुझे, ओके, अब मेरे पास चार स्पेसेस थी, तो चारों के चारों लेटर्स को यूज करना था ना मुझे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ अ फोर डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। डिफरेंट लेटर्स थे आर ओ एस सी चारों मेरे, खास ध्यान दें इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है लेटर, ठीक है, तो फोर डिफरेंट लेटर्स है टेकन ऑल एट ए टाइम, इसकी परम्यूटेशन की थी हमने, जो उससे करी थी। इसको लिखने का तरीका हम आगे देखेंगे, जो प्रिंसिपल हमने फंडामेंटल काउंटिंग से करी थी, राइट। अब डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है, अब परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट आ गया और अरेंजमेंट है ये, ठीक है, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, ठीक है, किसका है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, मतलब जैसे रोज में से था, रोज में से हमने चार में से चार लेटर यूज करे थे, तो सारे यूज कर लिए, ऑल एट ए टाइम यूज कर लिए, लेकिन जब हम फाइव फ्लैग्स में से दो फ्लैग्स का कॉम्बिनेशन बना रहे थे, तो हमने उसमें से कुछ ही यूज किए थे ना, तो उसका मतलब है कि हमने सम उधर यूज किए थे, सारे यूज नहीं किए थे, और रोज में हमने ऑल एट ए टाइम यूज कर लिए थे, तो उनका जो अरेंजमेंट है अगर एक डेफिनेट ऑर्डर में हम करते हैं, तो उसे हम परम्यूटेशन बोलते हैं उस अरेंजमेंट को, राइट। अब क्या है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स हम डिस्टिंक्ट ही लेके चल रहे हैं, रोज में आर भी अलग है, ओ भी अलग है, एस भी अलग है, ई भी अलग है, राइट। फ्लैग्स में अगर हम पांच ले रहे हैं, तो पांच अलग अलग फ्लैग्स ले रहे हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है, थ्योरम वन क्या बोल रही है, ये कह रही है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, टोटल मेरे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मुझे परम्यूटेशन बनानी है, ठीक है, किसकी, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, मतलब अगर मैं आर एट ए टाइम लूंगा, जैसे कि पांच फ्लैग में से मैं दो ले रहा था सिग्नल के लिए, ये मतलब हुआ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, वेयर आर जो है जीरो से एन के बीच में रहेगा ऑब्वियसली, या तो जीरो से बड़ा रहेगा क्योंकि मुझे कुछ लेना है, और मुझे n से छोटा रहेगा या बराबर, पाँच के पाँच टेकन ऑल एट ए टाइम लूंगा, जैसे पाँच के पाँच ले सकता हूँ फ्लैग के केस में, और दो ले रहा हूँ तो जीरो से बड़ा है, एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट्स जो है रिपीट नहीं कर सकते, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड,
तो क्या बनेगा? अब जैसे फ्लैग्स के केस में हम क्या करते थे, तीन, अगर मेरे को दो फ्लैग्स बनाने हैं तो पहली पांच फ्लैग्स में से, तो मैं पांच फ्लैग्स यहाँ लिखता था और फोर वेज मेरे पास यहाँ होते थे, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो n, क्योंकि अब क्या है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, तो n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू n माइनस आर प्लस वन, ठीक है जी। अब आप इसको पांच से करके देखो कैसे होगा, पांच में यहाँ था मेरा, ठीक है, n जो था मेरा फाइव था, तो n माइनस आर प्लस वन इज फाइव, एन फाइव है मेरा, आर कितना है टू है मेरा, दो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, प्लस वन, फाइव माइनस टू इज थ्री, प्लस वन इज फोर, तो मुझे फोर तक जाना है, मतलब फाइव इंटू फोर। जब ये बड़ा नंबर होगा तो हम इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ तो प्रिंसिपल से हमने फंडामेंटल काउंटिंग के सीधा कर लिया ना, फाइव इंटू फोर, क्योंकि टू प्लेसेस थी, तो वो अगर बहुत बड़ा नंबर है तो प्लेस कैसे निकाल सकते हो आप, ऐसे निकाल सकते हो आर माइनस आर प्लस वन, क्योंकि अगर मैं सीधा आर माइनस एन माइनस आर करता तो थ्री तक चला जाता, तो प्लस वन इज नेसेसरी। सो मुझे एन से शुरू करूंगा मैं और कहाँ तक जाऊंगा, एन माइनस आर प्लस वन तक जाऊंगा। तो कंडीशंस क्या क्या है इसमें कि मेरा, अच्छा इसको डिनोट किससे करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, विच इज डिनोटेड बाय एन पी आर, ये नई चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं हम, एन पी आर, यानी कि परम्यूटेशन ऑफ एन आइटम्स टेकन आर एट ए टाइम। अब अगर फाइव पी टू लिख रहा हूँ, फ्लैग्स का मैं ले रहा हूँ, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसे कि पांच फ्लैग में से दो लेने हैं, तो नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं पांच चीज़ों में से, टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ फाइव ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट ए टाइम। अब जब रोज वाला केस था तो उसमें क्या बनेगा, फोर पी फोर, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम चारों में से लेटर में से सारे ले रहे थे ना, चारों का कॉम्बिनेशन बना रहे थे ना, कॉम्बिनेशन वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, चारों का अरेंजमेंट कर रहे थे ना हम, टेकन ऑल एट ए टाइम। सो इट इज नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ फोर ऑब्जेक्ट्स, फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, राइट। नेक्स्ट इज फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है, यह समझना बहुत जरूरी है परम्यूटेशंस के लिए आगे, क्योंकि उसमें ये यूज होती है। तो नोटेशन एन फैक्टोरियल, इसको आपको बहुत ज़्यादा डीप लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। जो हम ये प्रिंसिपल करते हैं फंडामेंटल काउंटिंग का, हम क्या कर रहे हैं, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। तो इसकी सिंगल नोटेशन क्या है, फाइव फैक्टोरियल बोल देते हैं। इसका क्या मतलब है, फाइव फैक्टोरियल, फाइव से स्टार्ट होना है, वन तक जाना है, तो उसको फैक्टोरियल बोल देते हैं, ओके। सो अगर आप एन फैक्टोरियल बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, एन, एन में से एक कम करो, मल्टीप्लाई एन माइनस वन, एक और कम करो एन माइनस टू, कब तक कम करते रहेंगे, जब तक वन नहीं पहुंच जाता, फैक्टोरियल का ये मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक कंडीशन है याद रखने वाली, और वो क्या है कि जीरो फैक्टोरियल वन होता है, जीरो फैक्टोरियल इज वन, ये खास ख्याल रखना आपने, बाकी सब सिंपल है, ठीक है, क्योंकि वन फैक्टोरियल भी आपका वन आएगा और जीरो फैक्टोरियल इज ऑल्सो वन। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इवेल्युएट फाइव फैक्टोरियल। अब फाइव फैक्टोरियल क्या है, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, देखो ये चाहे वन से फाइव लिख लो चाहे फाइव से वन, ठीक है, वन ट्वेंटी। सेवन फैक्टोरियल, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फाइव जीरो फोर जीरो। सेवन फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस कर दो, फाइव जीरो फोर जीरो में से वन ट्वेंटी को आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखो सेवन फैक्टोरियल में सेवन इंटू सिक्स लिखूँ तो इंटू फाइव फैक्टोरियल बच जाएगा, माइनस फाइव फैक्टोरियल, तो फाइव फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन भी आ सकता है, तो यहाँ कितना बच गया, फोर्टी टू, और यहाँ माइनस वन। तो आप इसको फाइव फैक्टोरियल जो वन ट्वेंटी होता है इंटू फोर्टी वन भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्वेल्व देखते क्या आता है, जीरो, ट्वेल्व वन ज़ार ट्वेल्व, वन, ट्वेल्व इंटू फोर इज फोर्टी एट, फोर नाइन टू जीरो। ऐसे स्मार्टर वे से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल सिक्स, कंप्यूट दिस। अब जब आप ये कंप्यूट कर रहे हैं तो अगर आप सेवन फैक्टोरियल निकाल के फाइव जीरो फोर जीरो ओवर वन ट्वेंटी करेंगे, उससे बेटर क्या है, आपको पता है कि सेवन फैक्टोरियल के अंदर सेवन इंटू सिक्स लिखूँ और फिर फाइव फैक्टोरियल ही बचेगा, क्योंकि फाइव फोर थ्री टू वन को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो फाइव फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। तो सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू
आंसर है, राइट। नेक्स्ट इज 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो अब देखो 12 और 10 पे फोकस करो, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, जैसे मैं इस पे फोकस करूंगा, अब आपको पता है कि मैं 2 निकाल लेता हूं बस बाहर, 12 और 11, फिर 10 फैक्टोरियल बचना है, तो नीचे 10 फैक्टोरियल है इनटू 2 फैक्टोरियल को तो 2 ही लिखेंगे, सिर्फ 2 इंटू 1 करेंगे, तो 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 6, 66 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7, इवेल्युएट दिस, ठीक है, व्हेन एन इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 2। अब आपको इवेल्युएट करना है, आगे जाके आप देखोगे यही परम्यूटेशंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी जस्ट आपको मेयरली कैलकुलेशंस करनी सिखा रहा है वो, कि n 5 ले लो, r 2 ले लो, तो क्या होगा, n ऊपर 5 आ गया, r यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 5 माइनस 2 3 आ गया, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2, ओके। तो ये मेरे पास बन गई जी। अब आपको पता है, चाहे तो खोलो तो सिंपल है, लेकिन आप 5 फैक्टोरियल में से 2 डालेंगे तो 5 इंटू 4 आ जाएगा, और फिर 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, नीचे आपका 2 फैक्टोरियल का 2 ही रह जाएगा, और 3 फैक्टोरियल एज इट इज लिख के हम काट देंगे, इसने डायरेक्ट लिख दिया, तो बस 10 आ गया आपका आंसर। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 8, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स ओवर 10 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें आप अदरवाइज आपको पूरे पूरे खोलने पड़ेंगे, प्लस है इसमें, आप क्या करो, इसमें सबसे छोटा देखो 8 फैक्टोरियल है ना, तो 1/8 फैक्टोरियल को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा, यहाँ तो 1/1 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ ओवर क्या रह जाएगा, 1/9 रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ओवर 10 फैक्टोरियल को भी 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 9 प्लस 1 इज 10 ओवर 9 इज इक्वल टू एक्स ओवर 10 इंटू 9, 9 कैंसल आउट, एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो स्मार्टर वे में करने में ज़्यादा बेटर है, पूरे पूरे निकालने, जहाँ पे आपको नहीं कुछ दिख रहा होगा सिर्फ वहीं पूरा निकालना। अब ये एक्सरसाइज है 7.2, इसमें फर्स्ट है सिंपल है, 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो ये आपका कितना आ जाता है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, लेबोरियस वर्क है, 40320, ओके। सेकेंड जो है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो अब आप इसको क्या स्मार्टर वे से कर सकते हैं ना, 3 फैक्टोरियल बाहर निकाल लो, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल में से सिर्फ 4 बच जाएगा, क्योंकि इंटू 3 फैक्टोरियल होना है उसने, तो वो बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 18 आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर मैं 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ 4 बच जाएगा सिर्फ, तो 3 फैक्टोरियल इज व्हाट, 6 इंटू 5 30, जबकि 7 फैक्टोरियल तो कुछ और ही आता है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, आप खोल के दिखा देना कितना बनता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 6 5 30 तो सिर्फ यही है, ठीक है, बाकी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। थर्ड कंप्यूट 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो थर्ड क्वेश्चन में 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकता हूँ, तो ये 4 से चला गया, कितना आ गया जी, 28। सेम अभी फोर्थ क्वेश्चन हमने किया था, फोर्थ क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, 1/6 फैक्टोरियल, तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, ओवर एक्स ओवर 8 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ओके। सो 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो, 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8/56 आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो 7 प्लस 1 8/7 x ओवर 56, 7 8
सो एक्स इज इक्वल टू 64 मेरा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट करना है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, n 6 है r 2 है, तो फर्स्ट पार्ट में n 6 है r 2 है, 6 माइनस r यानी 2 इज 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 5 छोड़ देते हैं 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा, ओवर 4 फैक्टोरियल कट किया 30। सेकंड में n 9 है r 5 है, सो 9 इंटू एक बार लिख लेते हैं जस्ट, 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 5 इज 4 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15120, सो दिस इज माई आंसर।